जोया अख्तर ने अपनी सबसे छोटी फिल्म और सबसे शांत लीड के साथ अपने आलोचकों को चुप करा दिया। नेटफ्लिक्स की लस्ट स्टोरीज में उनका 20 मिनट का अंश अपने बॉस के साथ अवैध यौन संबंध में हाउस हेल्प पर केंद्रित था। यह विशेष रूप से एक मध्यम वर्ग के फ्लैट के भीतर स्थापित है, पृष्ठभूमि शोर जैसे सहायक व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है और मांग करता है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त दर्शक समाज द्वारा इतने अमानवीय व्यक्ति पर ध्यान दें कि मौलिक मानवीय भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए विद्रोह जैसा लगता है। लघु फिल्म ने एक निर्देशक के रूप में अख्तर के तत्काल भविष्य के लिए स्वर स्थापित किया, जिसमें फिल्मों और एक कार्यक्रम का वर्चस्व होगा जो हमारे देश की भारी असमानताओं की जांच करती है। गली बॉय घोस्ट स्टोरीज में एक लघु और मेड इन हेवन का अनुसरण किया। उसकी लस्ट स्टोरीज की सूक्ष्म ताकत, जो मुझे यकीन है कि एक शीर्षक है जिसे हम नहीं जानते हैं, बाहर रहता है, भले ही इसका नायक वो है जिसे आप सड़क पर नोटिस नहीं करेंगे। हाउसकीपर सुधा के रूप में पेडनेकर के अभिनय ने फिल्म की लोकप्रियता में योगदान दिया। वो फिल्म में 10 से कम शब्द कहती है, फिर भी बातचीत के पन्नों के साथ बदतर अभिनेताओं से ज्यादा व्यक्त करती है। कलाकार अक्सर अपनी विशेषताओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, खासकर जब गैर मौखिक भूमिकाएं निभाते हैं। यहां तक बेहतरीन हिंदी फिल्मों में भी रिएक्शन शॉट शामिल हैं। सभी को आराम करना चाहिए। पेडनेकर का अभिनय इतना सूक्ष्म है कि आप एक होंठ फड़कने से चूक सकते हैं या कैसे सुधा खुद को वास्तविकता से छिपाने के लिए अपनी टकटकी लगाती है। अख्तर की लस्ट स्टोरीज अपने प्रेमी अजीत की शादी के लिए एक रिश्ता सभा के माध्यम से सुधा का अनुसरण करती है। हम कार्रवाई में डूब गए हैं और सुधा और अजीत के संबंध से परिचित हुए हैं। जब वो अजीत के घर से निकलती है तो पेडनेकर की खट्टी मुस्कुराहट के साथ जब वो साफ करती है तो उसकी चुटीली मुस्कान की तुलना उस पर एक तौलिया फेंकती है, यह जानकर कि उनकी अस्पष्ट व्यवस्था शायद समाप्त हो जाएगी। सुधा की स्थिति रात गई बात गई नहीं है, यही उसकी त्रासदी है। वो अजीत से प्यार करती थी, भले ही वो उसका इस्तेमाल करता था। लस्ट स्टोरीज एक मूल्यवान सांस्कृतिक वस्तु है। सत्ता की गतिशीलता और अपमानजनक पेशेवर संबंधों पर अपनी शक्तिशाली आलोचना के साथ इसने भारत में #MeToo आंदोलन को व्यवहारिक रूप से पूर्व खाली कर दिया। यह मनोरंजन व्यवसाय में एक पल का प्रतिबिंब भी है जो बीत चुका है, जब स्ट्रीमर अपने आंतरिक खोज इंजन पर केवल कीवर्ड ही नहीं बल्कि दिलचस्प और अक्सर खतरनाक कार्यक्रम एक साथ रखते हैं। सेक्रेड गेम्स और घोल और लव पर स्क्वायर फुट के बाद लस्ट स्टोरीज नेटफ्लिक्स इंडिया की तीसरी ओरिजिनल फिल्म थी। स्ट्रीमिंग दृश्य इतना विकसित नहीं हुआ है जितना गायब हो गया है। सोनी लिव को छोड़कर हर मंच इस सांप्रदायिक एकरूपता में योगदान देता है, हालांकि मुझे वहां भी खतरा महसूस होता है। नेटफ्लिक्स ने शीर्ष स्तरीय भारतीय क्रिएटिव को आकर्षित किया, लेकिन यह अक्सर उनके छोड़े गए स्क्रैप के लिए व्यवस्थित हो गया। लस्ट स्टोरीज में सुधा के विपरीत नेटफ्लिक्स के अधिकारियों के पास न कहने का विकल्प होता है, जिसे अजीत की रिश्ता तैयार होने के बाद बचे हुए मिठाई को पैक करने के लिए मजबूर किया जाता है। सुधा के पास एजेंसी की कमी है जो फिल्म का संदेश है। वो अवाक है क्योंकि अजीत और उसका परिवार उसे अपमानित करता है। वो अपनी भावी दुल्हन से कुछ नहीं कह सकती जब वो उन्हें उसी बिस्तर पर छेड़खानी करती हुई पाती है जो उन्होंने घंटों पहले साझा की थी। वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसे विश्वास है कि वो हीन है। वो हर रिश्ते में सबसे नीच है। लस्ट स्टोरीज में इसका सामान्य से अधिक गहरा अर्थ है क्योंकि सुधा अजीत की तुलना में एक अलग जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है। भारत में इस तरह की लाक्षणिक बाधाएं अदृश्य अटूट 10 फुट की दीवारें भी हो सकती हैं। अजीत एक रोमांटिक पार्टनर या आकांक्षी व्यक्ति नहीं है, वह अवैध है। पेडनेकर सुधा की तड़प और इच्छाओं को पकड़ लेता है, यह उसका सबसे अच्छा है।